बेटा, इसका रिचार्ज खत्म होने वाला है, प्लीज जल्दी से कुछ करो। हेलो हेलो, और से देखिए इस पहाड़ को, और पहाड़ के पीछे निकलेगी चुहिया। कौन करता है गोविंदा का स्टेप? चैनल, कैसे आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, इतने दिनों बाद मैं आपसे बात कर रही हूँ तो सब बताना, सब बढ़िया होना, फर्स्ट क्लास। तो आज हम शाम का टाइम हो रहा है और हम जा रहे हैं डी मार्ट। दी जीजू को बहुत सारा यहाँ पे सामान शिफ्ट वगैरह करा, तो बहुत सारा सामान लग जाता है ना, कि घर पे भी हमें बहुत सारा सामान चाहिए, तो यही प्रोसेस में हम रोज़ शाम को निकल जाते हैं और कुछ ना कुछ लेके आते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं और देखते हैं ये दोनों अभी क्या कर रहे हैं, तैयार हुए कि नहीं, और फिर निकल पड़ेंगे हम अपने सफर पे। और लास्ट तक ब्लॉग देखना, लेट्स गो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी एकदम रेडी हो चुकी है। Yes. ये पानी की बॉटल कहाँ जा रही है आपकी? ये बैग में जा रही है, प्लेन जो है ना, प्यास लगती है तो फंडा। ओके, और यहाँ पे टीवी चल रहा है गोविंदा की मूवी, और जी जो देख रहे हैं गोविंदा की मूवी। जी जो एक स्टेप हो जाए ना गोविंदा का, कौन करता है गोविंदा का स्टेप? ये बहुत सही करती है गोविंदा का स्टेप, ये मेरा फेवरेट है। एक बार अच्छे से करना इधर गोविंदा का, ऐसे नाम समझ रहा हूँ। गोविंदा जैसे बीच बीच में रहता है, फिर चुप हो जाता है। वो देखो, अरे गोविंदा चला गया। परफॉर्मेंस एंड। चलो बताओ बताओ। तो गाइस, जैसे कि मैंने बताया, हम जा रहे हैं डी मार्ट वहाँ पे, क्योंकि डी मार्ट ही जा रहे हैं, डी मार्ट जा रहे हैं। मैं पहली बार जा रही हूँ हैदराबाद के डी मार्ट। नहीं, मैं मुंबई के गई थी ना, तो वहाँ पे बहुत ही मतलब डिस्काउंट मिलता है, तो मैंने इसको बोला डी मार्ट ही अच्छा रहेगा। तो वहाँ पे जाएंगे हम दोनों बहने विद जीजा जी, और मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है। क्या बोल रहे हो? गाड़ी दूसरी मंगा दी, क्योंकि हम इतना लेट हो गए, दूसरी आ गई, फिर विजय अभी तक नहीं आया। अच्छा, चल तेलुगु में अगर है तो कुछ बोल के दिखा। तेलुगु में बोला मैंने, उक्का निशा, मतलब वेट कर दीजिए। क्या उक्का निशा? उक्का निशा रॉकी। यश, सो कैसे लग रहे डी मार्ट की प्राइस? पहली बार आई हो? बढ़िया यार, मैंने बोला था ना डी मार्ट में अच्छा मिल जाता है। 150 का 105 मिलता है। 50 रुपीज़, 60 रुपीज़ ऑफ। कलर यू वॉन्ट? ये वाला अच्छा लग रहा है ना। हाँ, इसमें पानी रखेंगे तो और अच्छा। हाँ, क्योंकि पानी के ही जैसा है, थोड़ा छोटा है, मतलब ऐसे क्रिस्टीन लग रहा है ये। 50 का है लेकिन 39 का मिल रहा है। तो फाइनली हमारी शॉपिंग पूरी हो गई। वैसे अभी भी पूरी नहीं हो रही थी, क्योंकि मन नहीं भरता ना, इतनी सारी चीज़ें दिखती है कि ये भी ले लो, वो भी ले लो, और हमारी दीदी तो रुक ही नहीं रही है। अभी भी हो रहे मेरे जीजा जी, देखो उधर बिल काउंटर में, लेकिन ये कह रही है अभी भी टाइम पास करिए, ये भी ले लें, वो भी ले लें, लेकिन फिलहाल जरा सारा हड़प लो, क्योंकि ताइवान में कभी ऐसी चीज़ें जो अपनी मन की चीज़ें है ना, पसंद की, वो नहीं मिलती वहाँ। इंडियन चीज़ें बिल्कुल नहीं मिलती है। मेरे को बस हड़पने का मन कर रहा सारा की सारी चीज़ें। हाँ, ये भी लो, और यहाँ वहाँ से बहुत सस्ता भी मिलता होगा ना। हाँ मिलता है, जरूर आऊँगी, महंगा मिलता है वहाँ पे। हाँ यहाँ यहाँ है, सॉरी वहाँ महंगा, यहाँ सस्ता मिलता है ना पे। लेकिन जो इंडियन सामान है, जो इनको ज़रूरत है, जैसे दाल चावल, सब महंगा मिलता है, सब महंगा मिलता है। बताऊँ, और यहाँ इनको ऐसा लग रहा है इतना सस्ता है, हमारे जो महंगा ये ऐसे बोले इतना सस्ता है, ले लो सब भर के लेने पे लगे ये। और देखो जी जो वेट कर रहे हैं हमारे लोगों के बीच में, कब आएगा नंबर, कब आएगा नंबर। तो ताइवान में भी ऐसी भीड़ होती है? इतनी भीड़ नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे मतलब लोग भी कम है ना उधर। हाँ, वो इसीलिए तो हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है भाई। हाँ तो हुए यार, और हमारी पॉपुलेशन सुनना, हमारी पॉपुलेशन ही हमारी स्ट्रेंथ है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, हरा भरा लोग इतने सारे, देखना बड़ा अच्छा लग रहा है। और दोस्तों, अगले दिन हम मॉल गए थे और हमें एक से बढ़कर एक एक्सेसरीज मिली, सुंदर सुंदर पहनने वाली, जिनमें से हमने एक भी नहीं ली। और हमें घर सजाने का बहुत सारा सामान भी मिला है, ये देखो, एक से बढ़कर एक एंटीक पीसेस, और इनको हम अगर घर पे लगाएंगे तो और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा। लेकिन इनमें से भी हमने कुछ नहीं लिया, क्योंकि हमने सोचा कि बाद में लेंगे, अभी ज़रूरत नहीं है।
और फाइनली हमें मिला ये सुंदर सा पुराने जमाने वाला फोन, टेलीफोन। चलो पहुंच गए बस। हाँ वाले बेटा, इसका रिचार्ज खत्म होने वाला है, प्लीज जल्दी से कुछ करो। हेलो हेलो। और से देखिए इस पहाड़ को, और पहाड़ के पीछे निकलेगी चुईया। दिस इज अ ब्रांड न्यू फटूरा स्पेशल, सो ह्यूज इन साइज, आई एम जस्ट लविंग इट। ओह माय गॉड, हाउ इज द टेस्ट? अमेजिंग, बहुत अच्छा आ रहा है। चीजों आपका कैसा रहा छोले भटूरे? बहुत अच्छा हो रहा। यामी? Yes, good. ये दोनों सच में बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे इंडियन फूड को, तो फाइनली इनको खाने को मिल रहा है, तो इसीलिए नॉन स्टॉप खाए जा रहे हैं, नॉन स्टॉप खाए जा रहे हैं। मैं तो खा भी नहीं रही हूँ। हाँ आप लोग खाओ, आप लोग इंजॉय करो, क्योंकि मैं तो खाती रहती हूँ। चलिए जरा चैलेंज देखिए, तो हमें खाते हुए देखेगी। हाँ देखिए कब तक कंट्रोल कर सकती है। ये कैसा सिला दिया तुमने मुझे प्यार का, मैं तुम्हें देखती रहूंगी। कोई बात नहीं, तुम खाओ, मैं तुम्हारी वीडियो बनाऊंगी। तो दोस्तों आई होप हम दोनों बहनों की मस्ती आपको बहुत ज्यादा पसंद आ रही होगी और अपनी बहनों की याद आ रही होगी। कैसा लग रहा है दीदी आपको मेरे साथ? बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है छह दिन तो हो गए अभी आके, ऐसा लग रहा है कि कहीं गई नहीं थी, मतलब मेरे साथ ही ऐसा लग रहा है हम साथ ही रहते थे इतने टाइम से। वो पुराना ऐसा पुराना जन्म था जब मैं दूर रही होगी, अभी फिर से वैसा मूड आ गया कि डांट भी खा रही बीच में, गुस्सा भी खा रही है। दीदी तुम्हारे डांट तो मेरे फूल की तरह है, फूल नहीं गुलाब के फूल। चलो दोस्तों तो ये ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप हमने एंजॉय किया होगा, एंजॉय किया तो क्या करना है दीदी? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एक पैसे की बात बताऊं, मैं कभी इसे दीदी नहीं बोलती, ब्लॉग में ही बोल रही हूँ। तो मैं दीदी बोला भी, मुझे सुनाई नहीं, ये दीदी बोला मुझे, ये दीदी मैंने ब्लॉग में ही बोलना शुरू किया है ताकि ऐसा लगे ये मेरी दीदी है, मैं बड़ी लगती हूँ इसे। कभी इसे मैं दीदी नहीं बोला, मुझे बहुत आश्चर्यचकित हो रही है, शॉक हो रही है सुन के, मुझे दीदी बोल रही है कि मुझे समझ भी नहीं आ रहा है मुझे दीदी कह रही है। आज तक मैंने ऐसे दीदी नहीं बोला, नहीं बोला तो चलो कोई नहीं। तो अब शादी हो गई ना, तो दीदी जी जाजी के सामने बोलना पड़ेगा दीदी दीदी, है ना? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो मुझे मोंटा बोल दे, मैं सोंटा बोल दूंगा। हम एक दूसरे को मोंटा और सोंटा बोलते हैं, तो मोंटा और सोंटा की जोड़ी हम रहे हैं। और आप भी हमें लाइक शेयर कमेंट करो और जल्दी अच्छे अच्छे वीडियोस हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं, पूरी कोशिश करेंगे। हाँ तो ये टाइम पे इसलिए नहीं ला पाती है, तो इसको ये मम्मी को मैंने बोल दिया कि इसको सुबह उठा देना। हाँ। कि मैं भी नहीं उठती, सॉरी टू से। आलसी बहन है हम नाइट पर्सन्स है ना, नाइट पर्सन। हाँ चलो पर सुबह कुछ नहीं करते, चलो मन करे कि बोलते जाए पर क्या करे, अब हो गया है। हाँ। अब कल मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर।